मेरे गोपाल को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि नौ बार, जो कि पूर्णांक है सत्य शब्द का है। भगवान सत्य कैसे कैसे सत्य हैं, कहां कहां पे सत्य हैं, सबसे पहले भागवत जी ने कहा सत्य व्रतम। भगवान जो भी व्रत लेते हैं वो सत्य करके दिखाते हैं, इसलिए सत्य व्रतम। सत्य परम, भगवान ही परम सत्य है, जहां पर पहुंच करके कुछ जानना, कुछ पाना, कुछ करना शेष नहीं रह जाता। उस तत्व को प्राप्त करके, सत्य को जान करके, उस परम सत्य में प्रवेश करके सब महात्मा बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं। त्रिसत्यम, भगवान को अगली बार सत्य कहा गया त्रिसत्यम। त्रि माने तीन, तो त्रि तीन कालों में, कल भी सत्य थे भगवान, आज भी सत्य है और आगे आने वाले दिनों में भी वो सत्य रहेंगे। त्रिकाल अबाधित सत्य है भगवान। चौथी बार कहा है सत्य से योनि, अयोनिक है भगवान, अचन्मा है। निहितम च सत्य, भगवान सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सांच बराबर तब नहीं झूठ बराबर पा, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय प्रभु आ। निहितम च सत्य, भगवान में सत्य निहित है, सत्य में भगवान निहित है, भगवान में सब सत्य है। तो कुछ लोग कहते कि भगवान तो झूठ बोलते हैं, मैया बोले मैं नहीं माखन खाई, बोले भगवान की हर बात पूजनीय है, भगवान की हर लीला दिव्य है। जन्म कर्म च मही दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, मेरे कर्मों को कोई जान नहीं सकता, मैं क्या कर रहा हूं, कब कौन सी लीला दिखाने वाला, उसका क्या रहस्य है, देखने को तो लगेगा। भगवान ने देखो नारी को मार डाला, शास्त्रों में तो लिखा है यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, और देखो देखो ये भगवान चाहे राम बन के आए चाहे श्याम बन के आए, आदि पहले नारियों को मारते। राम अवतार में ताड़का जी को नारी थी, और कृष्ण अवतार में उतना, लेकिन अगर देखा जाए उसका फल क्या है, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिंघासया पायतप्रसादवीं लेभे गतिं धातृजितान्ततोऽन्यं कं मादयानु शरणं व्रजे। वो पूतना भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, हिंसा जिंघासया हिंसया, हिंसा के सोच कर कहती थी कि मैं इस नंद के लाल को मारूंगी, क्यों, क्योंकि ये देवकी का आठवां लाल है, कंस का लाल है। तो भगवान ने बाहर लीला में देखकर मुझे कहा है उसको मारा, लेकिन मारा नहीं, मुक्ति ददाति इति मुकुंद, मुकुंद भगवान ने मुक्ति देती, भगवान मुक्ति बांटते हुए घूमते, भगवान का नाम मुक्ति देता है, इसलिए भगवान लीला ताड़का को देखेगा,
एक ही बाण प्राभरलीन दीन जान निज पर दीन। तो दोनों लीलाएं देखिएगा कितनी आपस में एक हो रही है। श्री रामचरित मानस हो, श्रीमद भगवद गीता हो, श्री महापुराण हो, एक ही बाण प्राण हर लीनो दीन जान निज पर दीन। और इधर लेभे गतिम, लेभे माने लाभ दिया, कौन सी सदगति, धात्रुचिता, धात्री माने माता के पद को दे दिया। और इधर दीन जान निज पर दीन, आज के जमाने में कोई अपनी सीट किसी को देता नहीं। कोई चेयरमैन है ना, वो सोचेगा कि मैं ही बनता रहूं जीवन भर चेयरमैन, किसी को देगा नहीं। बनती भगवान देखिए, भगवान अपना पद दे देते हैं। भगवान का जो पद है ये टाइटल है भगवान, और जिस पे कृपा करनी ही उसके आगे भी लगा दिया भगवान, चलो तुम भी भगवान। वो संकोच करते हैं, प्रभु मुझे भगवान मत बनाइए, भगवान आप ही रहो। बोले नहीं भाई, हमारा विरत है, शराबी का संग करके शराबी बनता है, जुआरी का संग करके जुआरी बनता है, तो तुमने मेरा संग किया है तो तुम मेरे स्वरूप बन जाओगे। बोलो जय श्री कृष्णा। तो चार बार सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य अयोनि, पांचवी बार निहितम च सत्य, छठी बार सत्यस्य अस्य मन है जो सत्य, जो स्वयं सत्य रूप है, यही सत्य है, अस्य ही भगवान ही सत्य है। और सातवीं बात कहते हैं सत्य अमृत, सत्य अमृत भगवान, और भगवान का नाम क्या है, अमृत है, भगवान की कथा क्या है, अमृत है, भगवान अमर है। सत्य नेत्रम, भगवान सत्य नेत्र वाले हैं, भगवान को सब कुछ दिखाई देता है। सात तालों के अंदर बंद होकर के जो करे कार्य किया जाता है वो भी कोई देख रहा, वो ऐसे सत्य नेत्र है मेरे। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारे हृदय से ही सबको निहारते रहते हैं। सत्यात्मकम आत्मकम सत्य, सत्य रूपी आत्मा वाले भगवान। चार सत्य छूट गए आपके, कथा से ज्यादा कुछ नहीं, खो जाओ बस, ये तो अस्त व्यस्त रहेगा सब चीज, ध्यान रखना चाहिए। सत्यात्मकम आत्मकम आत्मस्वरूप सत्य भगवान, हम सब लोग उनकी शरण, शरणम आपकी हम शरण, कैसे शरण, प्रपन्न होकर के बस पड़ गए चरणों। हे गोविंद, ऐसे सुंदर भगवान की इस गर्भस्तुति का ये श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया। नंद घर आनंद भजे कन्हैयालाल, भगवान तम अद्भुतम बालक मम्बुज क्षण चतुर्भुजम शंख गदारूढार्धम श्री वत्स लक्ष्मण गलशोभि कौष्टुभम पीतांबरम सांद्र पयोद शोभनम। भगवान अपनी माता के सामने पहले जेल में, कंस की जेल में चतुर्भुज होकर के प्रकट हुए,
और कहा हाँ आपने मेरी जो पिछले जन्मों में आराधना की थी, तपस्या की थी, मैंने आपको वरदान दिया था। देखो मैं बालक बनने से पहले आपको बता रहा हूँ कि वो नारायण मैं आ गया हूँ। भगवान का कैसा रूप सिंगार, तम अद्भुतम बालक अम्बुज क्षणम। भगवान के नेत्र, एक तो भगवान का स्वरूप कैसा होता है, बाल किशोर अवस्था का, भगवान हमेशा बालक जैसे लगते हैं। भगवान के ना बुढ़ापा आता है, यहाँ तक कि मूंछ झाड़ी भी नहीं आती है, तो भगवान हमेशा किशोर है। चतुर्भुज चार भुजाधारी दर्शन ले रहे हैं, चारों भुजाओं में क्या क्या चीज है, शंख है, गदा है, कमल का पुष्प है, ये भी भगवान के हाथ में कमल का पुष्प है, शंख चक्र गदा और पद्म, पद्म माने कमल। श्री वत्स लक्ष्मण, श्री वत्स का चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर उभरा हुआ एक रेखा है, कल शोभी कोष्ठ और गले में कोष्ठ मणि है। भगवान अंग पे क्या वस्त्र पहने, पीतांबर, ऐसे सुंदर भगवान शांत पयोद शोभा, सुंदर शोभा मान है गोपाल। बोलो राधे राधे। देवकी माता कहती है मृत्यु मृत्यु व्याल भीत पलायन लोकान सर्वान निर्भयम नात्यगच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य दृच्छयाद्य स्वस्थ शीते मृत्यु अस्माद् देदि। जब तक भगवान हमें नहीं मिलते तब तक मृत्यु हमें डराती है। हम कब तक डरेंगे, जब तक भगवान नहीं मिल जाते। जिस भी दिन भगवान हम लोगों को मिल जाए किसी को भी, तो वो संत बन जाता है, वो अवतारी बन जाता है, और फिर मृत्यु उससे डरती है। जैसे प्रहलाद जी, कितनी बार मृत्यु मारने का प्रयास किया गया प्रहलाद जी को, लेकिन मृत्यु भागती रही, भगवान के भक्त से मृत्यु भाग जाती है डर के। जिनको भगवान बन जाते हैं उनकी इच्छा है वो जितने दिन जीना चाहे जिए, मृत्यु आएगी नहीं वहां पर, लेकिन वो भी नियति को स्वीकार करते हैं। आओ आओ तुम अपना नियम क्यों बदलती हो, हम भगवान के नियम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो पाना था वो पा लिया। शरीर का उद्देश्य क्या है, यह तन कर फल विषय न भाए, भजिए राम सब काम बिहार। इस तन का फल एकमात्र भगवान को पाना है, भगवान मिल जाओ, उनको बोलते रहो प्रभु मिल जाओ, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, मिल जाओ राम।